पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बेटे हो माँ बाप की ठंडक बनो, खामिद बनो, बीवी के लिए आसरा सहारा बनो, उसे रुस्वाइयों के हवाले ना करो। बाप बनो, औलाद के लिए शफीक बनो, किसी महकमे में अफसर बनो, दयानतदार बनो, जहां बैठो डॉक्टर बनो, मरीज के हमदर्द बन के बैठो, ताजर बन के न बैठना। मैं बड़े दर्द से कह रहा हूं, हर तरफ लूट मची हुई है, लूट मची हुई है, लूट मची हुई है, और अल्लाह ताला के बारगाह में हुकूक और इबाद का मामला बहुत सख्त है, बहुत सख्त, बहुत सख्त। किसी का हक लेके ना मरना, तुम्हारा हक चला जाए कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हें एक हदीस ना सुनूं, बड़े जमाने बाद याद है, आपने फरमाया अंसारे मदीना से, मदीने वालों मेरे बाद तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, क्या करो, क्या करो? गजम तलवार उठाए अपना हक ले। तो आपने फरमाया तुम्हें इससे अच्छी बात बताओ, इससे अच्छी बात बताओ, कही क्या? का तुम हक छोड़ देना और हौज़े कौसर पे आके मिल लेना, मैं अल्लाह से सारे हक पूरे करवा दूंगा। और अब मैं इस पे इजाफतन कह रहा हूं पूरे यकीन से अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के नबी की बशारत पर, कि ये वादा मदीने वालों से सिर्फ नहीं, ये वादा सिर्फ मदीने वालों से नहीं, क्यामत तक जो मुसलमान मर्द औरत मुल्तान वाला, हिंद वाला, सिंध वाला, लाहौर वाला, अरब का, अजब का मर्द औरत जो हक छोड़ देगा लड़ाई से बचने के लिए, हौज़े कौसर पे अल्लाह का नबी तेरे इंतजार में होगा। आया, मैं हक लेके देता हूं, मैं हक लेके देता हूं। अल्लाह से, अल्लाह से, उसके रसूल से, जब अल्लाह का नबी वकील बनेगा, अल्लाह देने वाला बनेगा, तो कितना मिलेगा? तो हुकूक उल इबाद में डर के चलो, डर के चलो, डर के चलो, किसी का मान सिम्मे लेके ना मारना।